छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पाल सत्ती ने ग्राम पंचायत भडहाला में लगभग 40 लाख रुपए से बनी सिंचाई योजना का भूमि पूजन करके निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस योजना के निर्माण से 20 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके उपरांत उन्होंने ग्राम पंचायत देहला में 65 कबड्डी खिलाड़ियों को खेल किटें भी वितरित की, साथ ही देहला में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। सतपाल सत्ती ने बताया कि 8.4 करोड़ रुपए से ऊना विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए ट्यूबवेलों का निर्माण पूरा हो चुका है। ऊना विधानसभा क्षेत्र में छूटे गए परिवारों के लिए 5.73 करोड़ रुपए से मौजूदा योजना के तहत क्रियाशील पानी को कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। 8.80 करोड़ रुपए से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र ऊना का निर्माण कार्य चल रहा है। छे ट्यूबवैल असी जलकर लगाए, पहले 5-7 साल की गल कर रहा, मैं लांबोवाल तक पानी असी जलकर से सीटिया, तो सामने थोड़े कलोनी से असी लांबोवाल पानी सीटिया और जलकर से भी पानी सीटिया असी चताड़े जा करके। ये इसलिए हो पाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो काम करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि युवाओं का रुझान खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए ऊना विधानसभा क्षेत्र में 1.77 करोड़ रुपए की लागत से बसदेड़ा में स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जबकि देहला में भी एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संतोषगढ़ व जलांग में भी स्टेडियम का निर्माण कार्य की DPR स्वीकृति के लिए भेजी गई है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहें, खेल गतिविधियों में अपना समय लगाकर अपनी प्रतिभा को निखारें। उन्होंने गर्व महसूस करते हुए कहा कि पिछली कबड्डी लीग में देहला से 4 खिलाड़ियों ने अपना भाग्य आजमाया था। अपर देहला ग्राम पंचायत के इस खेल मैदान में जितने भी बच्चे अपने खेलों के लिए जहां तैयारी के लिए आते हैं, उन बच्चों के साथ आज एक मिलने का कार्यक्रम हमने रखा था। गांव के बुजुर्ग उसमें सब लोग आए थे, पंचायत के प्रतिनिधि आए थे। देहला गांव में बहुत अच्छा एक खेलों का माहौल है, जहां गतिविधियां चलती रहती हैं, बच्चे आते रहते हैं। एक स्टेडियम का निर्माण भी जहाँ चल रहा है, जो आने वाले समय में कम्प्लीट हो जाएगा। इसी गाँव से 4 बड़े कबड्डी के हमारे खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो प्रो कबड्डी में खेलते हैं, वो निकले हैं। और हम चाहते हैं कि गांव में कबड्डी के साथ साथ अन्य खेलों में भी बच्चे आगे बढ़ें और हमारे खिलाड़ी प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही जाएं, ताकि वो अपने परिवारों का भी मान सम्मान बढ़ाएँ, गाँव का भी बढ़ाएँ और देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाएँ। तो आज उन बच्चों से मिलने का कार्यक्रम हुआ, उनसे बातचीत हुई, तो सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद उन सब लोगों को मिला है। तो मुझे विश्वास है कि जैसा पहले जहाँ पर खेल भावनाओं से खेलों को खेला जाता है, ऐसे ही बच्चे आगे भी खेलते रहेंगे और हमारे गांव का नाम रोशन करते रहेंगे। सभी बुजुर्गों को और यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के खिलाड़ी साथियों को एक अच्छा माहौल उन्होंने इस गांव के अंदर बना करके रखा है और खिलाड़ी आगे निकल रहे हैं और देश की सेवा में भी वो अलग अलग पदों के ऊपर डिपार्टमेंट्स में खेल के कोटे में नौकरियाँ भी ले रहे हैं और खेलों में आगे अपना नाम रोशन भी कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं और खेलों की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। आज भडहाला गांव में हमने इरिगेशन स्कीम जो लगभग 40 लाख रुपए से बनकर के तैयार होगी, कुछ एक एरिया थे जहां इरिगेशन नहीं होती थी, लोगों ने बताया कुछ दिन पहले मिले, तो डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत आज हमने 40 लाख रुपया जहाँ पर दिया है और इस स्कीम का भूमि पूजन किया। आने वाले साल के अंदर अंदर इस स्कीम को शुरू करके किसानों को हम लोग सिंचाई के लिए इस स्कीम का पानी देंगे और किसानों को इससे लाभ मिलेगा।